अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आयरा चिश्ती, मैं कश्मीर श्रीनगर बेमना से बिलोंग करती हूँ। और रिसेंटली मेरा मेडल 8th जूनियर वर्ल्ड बुक्स चैम्पियनशिप में आया है और मैं कश्मीर की पहली फर्स्ट फीमेल एथलीट हूँ जिसका जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल आया है। तो बेसिकली स्टार्टिंग पहले तो जब पता चला कि जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली है तो मेरे कोच ने जो मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल है बिल्कुल चेंज कर दिया। सुबह मॉर्निंग में चार घंटे की प्रैक्टिस और शाम को भी 4 घंटे की प्रैक्टिस रही हमारी। फिर उसके बाद हमारी ट्रायल होनी थी मेरठ में वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, जहाँ पे मैंने 3 फाइट खेली 3 अलग अलग स्टेट की लड़कियों के साथ जो बेस्ट थी। तो उनमें 48 केजी कैटेगरी में मैं फ़र्स्ट आई, तो फिर मेरी सिलेक्शन जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए हुई। फिर हमारा 2 हफ्ते का कैंप लगना था मेरठ में, ट्रेनिंग कैंप, तो हम लोग वहाँ पे 2 हफ्ते ट्रेनिंग करते रहे। फिर उसके बाद हम फर्स्ट को जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए निकल गए थे पूरी इंडिया टीम, तो जहाँ पे फिर मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। वहाँ पे टोटल में 64 कंट्रीज आई थी, बहुत बड़ा कंपटीशन था और काफ़ी प्राउड फील हो रहा था कि मैं वहाँ तक पहुँच गई। वहाँ तक पहुँचना कश्मीर की लड़की के लिए बहुत ही फख्र की बात है। तो वहाँ पे मेरा पहली फाइट मेरी चाइना के साथ हुई थी, जो एक काफ़ी टफ कॉम्पिटिटर माना जाता है, चाइना बहुत ही अच्छा खेलता है। तो वहाँ पर मैं उससे जीत गई और मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। जी, मेरी फैमिली का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है, उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची, और अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और अगर रही बात कोच की, कोच ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया मेरा, कोच ने काफ़ी लड़ा है मेरे लिए, काफ़ी हार्डवर्क किया है मेरे ऊपर, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। मिस तो किया, क्योंकि अगर वो भी साथ में होते तो क्या पता कि मेरा ब्रॉन्ज की जगह गोल्ड होता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मोटिवेट बहुत करती है, तो उसको भी काफ़ी मिस किया। जी, मेरे कोच ने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया मेरे ऊपर। हमारा जो ट्रेनिंग शेड्यूल है, जैसे कि मैंने कहा कि बिल्कुल बदल गया था जब पता चला कि जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली है, तो हमारा शेड्यूल 2 टाइम हो गया प्रैक्टिस का, मॉर्निंग में 4 घंटे और शाम को 4 घंटे। हाँ, स्कूल में भी प्रॉब्लम आती थी कि क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना पड़ता था, तो हम काफ़ी अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस करते थे। कि अगर स्पोर्ट्स में रहना है तो हमें कहीं ना कहीं पढ़ाई को भी इक्वली बैलेंस करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप स्पोर्ट्स में आगे आपको बढ़ना है, कहीं ना पढ़ाई भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना की स्पोर्ट्स। तो इसको बैलेंस किया हमने तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जी, मैं सिर्फ कश्मीर से एक सिंगल लड़की हूँ जिसका, और पहली फर्स्ट फीमेल एथलीट हूँ जिसका जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल आया। यही मैसेज रहेगा कि पेरेंट्स के लिए बेसिकली मैसेज रहेगा कि आप कोई भी, अगर आपका बच्चा चाह रहा है कि वो स्पोर्ट्स में जाए, वो अगर मार्शल आर्ट हो या फुटबॉल हो, कि मतलब कोई सी भी गेम हो, तो वो काफ़ी एक अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है, फिटनेस जो है, वो हमें फिजिकली मेंटली फिट रखता है। तो उससे आपका बच्चा भी फिजिकली मेंटली फिट रहेगा। तो पेरेंट्स के लिए यही रहेगा कि उनको कोई भी चीज़ आप फोर्सफुली करा नहीं सकते, अगर जिस चीज़ में बच्चे का मन कर रहा है उसको वो चीज़ करने दें। इस बार काफ़ी ज़्यादा टफ था, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो ये मतलब 4 साल के बाद आती है। तो ये जब इसमें मेडल आया, तो एज़ कम्पेयर टू अदर जब मैंने खेले थे इंटरनेशनल, इस वाले में ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है।